समर्पित हमारा खास कार्यक्रम। नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। हिंद महासागर में भारत, अमेरिका, जापान का संयुक्त युद्ध अभ्यास शुरू। अभ्यास से चीन बौखलाया। वहीं अभ्यास का सबसे बड़ा आकर्षक होना भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर INS। आनंदपाल एनकाउंटर मामला, शव से संक्रमण का खतरा। अंतिम संस्कार करवाने को लेकर पुलिस खटखटाएगी कोर्ट का दरवाजा। राजधानी की कोतवाली थाना पुलिस की कार्रवाई। बेरोजगारों से ठगी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी मंत्री राठौड़ का बताता है ड्राइवर। भरतपुर कामा क्षेत्र में पुलिस को दबिश देना पड़ा भारी। नवजात के ऊपर पुलिसकर्मी के गिरने से नवजात की हुई मौत। वहीं लोगों के आक्रोश के बाद पुलिसकर्मी भागे। और सावन मास की हुई शुरुआत। सावन मास के पहले सोमवार को शिव मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। शिवालयों में गूंजे हर हर महादेव के जयकारे। और खबरें विस्तार से। चीन के साथ लगातार बढ़ रहे विवाद के बाद सोमवार को हिंद महासागर में भारत, अमेरिका और जापान ने युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। भारत पिछले कुछ दिनों से चीन पर नकारात्मक रुख में ही रहा है। वहीं उसी बीच अब यह अभ्यास शुरू हो गया है। इस अभ्यास को ऑपरेशन मालाबार नाम दिया गया है। तीनों देशों ने के इस अभ्यास से चीन भी बौखलाया हुआ है। वहीं आपको बता दें कि मालाबार अभ्यास दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। भारत, अमेरिका और जापान के जंगी बेड़े और लड़ाकू विमानों के साथ चेन्नई के तट पर करीब होने वाला यह अभ्यास दुश्मनों को दहलाने वाला है। इस अभ्यास के दौरान लगभग 20 जंगी जहाज और दर्जनों फाइटर जेट्स मंडराएंगे, तो इनकी गर्जना बीजिंग तक सुनाई देगी। भारत, अमेरिका और जापान के बीच हिंद महासागर में होने वाले इस सैन्य अभ्यास वैसे तो हर साल ही होता है, लेकिन इस बार युद्ध अभ्यास की धमक चीन को बेचैन कर रही है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती दादागिरी और पड़ोसी देशों के साथ जमीनी और समुद्री सीमाओं को लेकर लगातार बढ़ रहे चीन के विवादों के बीच तीनों देशों की नौसेना का ये जंगी अभ्यास चीन को मुकम्मल संदेश देंगे और हिंद महासागर को कोई भी देश अपनी बपौती समझने की खुशफहमी नहीं कर पाएगा। इस अभ्यास को 10 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक चलेगा। एक्साइज में अमेरिका, भारत, जापान की नौसेना शामिल है। चेन्नई तट पर लेकर बंगाल की खाड़ी तक ये एक्साइज होगी, जिसमें 20 जंगी जहाज, दर्जनों फाइटर जेट्स, 2 सबमरीन टोही विमान भी शामिल होंगे। वहीं भारत की ओर से इस अभ्यास का सबसे बड़ा आकर्षक होगा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य, जो कि 2013 में नेवी में शामिल किए जाने के बाद MiG-29 फाइटर जेट से लैस INS विक्रमादित्य इस तरह के पूर्ण सैन्य अभ्यास में पहली बार शामिल हो रहा है। राजधानी के कोतवाली थाना पुलिस ने बेरोजगारों को मंत्री राजेंद्र राठौड़ का ड्राइवर बताकर नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगने वाले एक आरोपी को दबोच लिया है। आरोपी के खिलाफ थाने में ठगी के कई मामले दर्ज हैं। SHO अशोक खत्री ने बताया कि आरोपी जगमाल सिंह झुंझुनू निवासी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी फौज से रिटायर्ड है और
गणगौरी अस्पताल में गार्ड की नौकरी करता था, जहां उसने अपने साथ काम करने वाले लोगों को मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ का ड्राइवर बताते हुए उनके लड़कों को सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा दिया और पीड़ित प्रकाश गुप्ता से 2 लाख, गुड्डी यादव से 30,000, विमला सैनी से 1 लाख, भवर सिंह से 48,000 रूप सिंह से 60,000 रुपए लेकर ना तो नौकरी लगवाई और ना ही पैसे दिए। पुलिस ने बताया कि आरोपी कुछ दिनों तक वह टालमटोल करता रहा और फिर फरार हो गया। वहीं पुलिस ने आरोपी की तलाश में पुलिस टीम गठित की और रविवार को आरोपी को मुखबिर की सूचना पर अपने गांव में दबिश देकर उसको गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने आरोपी से पूछताछ कर रही है। जगमाल सिंह नाम का व्यक्ति मिला, उसने बताया कि मैं राजेंद्र राठौड़ का ड्राइवर हूँ और स्वास्थ्य विभाग में तुम्हारी नौकरी लगा सकता हूँ। इस बात को लेकर के उसने करीब 2 लाख रुपए उससे ले लिए, लेने के बाद ये फरार हो गया था। इसी दौरान इसने विमला सैनी, रूप सिंह, भंवर सिंह और गुड्डी यादव, इनसे भी किसी से 20,000, 40,000, 60,000 इस तरह से पैसे ले लिए। ये सारे पैसे लेकर के फरार हो गया था। इसकी रिपोर्ट हमारे पास प्रकाश गुप्ता ने दर्ज कराई थी, उस पर हमने केस दर्ज किया है और केस दर्ज करके इसकी तलाश की तो ये कल हमें मिल गया है। इसको हमने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके हम तफ्तीश कर रहे हैं और पैसे बरामदगी प्रयास कर रहे हैं। चूरू के मालासर में एनकाउंटर में मारे गए 5 लाख के इनामी गैंगस्टर आनंदपाल सिंह का 16वें दिन भी अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है, इससे संक्रमण फैलने की आशंका है। वहीं पुलिस का कहना है कि परिजनों ने 4-5 दिन में अंतिम संस्कार नहीं किया तो जनहित में हाईकोर्ट से इजाजत मांगी जाएगी। गौरतलब है कि गत 24 जून को SOG पुलिस और कमांडो ने आनंदपाल को घेरा तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। वहीं आखिरकार आनंदपाल को एनकाउंटर में वो मारा गया था। इसके बाद 16 दिन में 2 बार पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन परिजन शव का अंतिम संस्कार करने को राजी नहीं हुए हैं। परिजन और अन्य लोग एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए CBI जांच सहित अन्य मांगे पर अड़े हुए हैं। इस खबर पर ताजा जानकारी के लिए नागौर से हमारे सहयोगी श्याम माथुर फोन लाइन पर मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब क्या कहना है उनके परिजनों का। जी श्याम बताएं। हेलो वैभव जी, बताएं श्याम जी। हाँ जी, अभी आनंदपाल के मामले में ताजा अपडेट यह है कि आनंदपाल के शव का अंतिम संस्कार पर अभी भी गतिरोध बरकरार है। जी क्या कह रहे हैं परिजन? आनंदपाल की शव को डीप फ्रीज में रखा हुआ है जी, और लेटेस्ट जानकारी यह है कि पिछले दो दिनों से वार्ता का दौर जो जारी था वो बंद पड़ा है और इधर परिजन CBI की मांग पर अड़े हुए हैं। जी श्याम मातू जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि 16वें दिन भी शाम आनंदपाल के शव का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। वही संक्रमण फैलने की आशंका है, जिसको लेकर अब पुलिस हाईकोर्ट तक जा सकती है, क्योंकि अगर संक्रमण ज्यादा फैला तो उससे बीमारियां पैदा हो सकती है। वहीं आनंदपाल के शव को अभी भी डीप फ्रिज में रखा हुआ है। न्यूज की खबरों में, भरतपुर कामा क्षेत्र के गांव बिरारा में पुलिस को आरोपियों पर दबिश देना भारी पड़ गया। मकान की तलाशी के दौरान एक पुलिसकर्मी प्रसूता के पास सो रहे नवजात पर गिर गया, इससे नवजात की मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ जमकर हंगामा किया। वहीं पुलिस 2 आरोपियों को पकड़ने में सफल रही। आरोपियों को लेकर पुलिसकर्मी वहां से भाग छूटे। वहीं ग्रामीण मृतक नवजात को लेकर कामा पहुंच गए। वहीं मृतक की मां ने मामला दर्ज कराया है। इस मामले की जांच SDM कर रहे हैं।
बता दें भरतपुर की कामा की ये घटना है। जहां पे पुलिसकर्मी के गिरने से एक नवजात की मौत हो गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कामा से हमारे सहयोगी कपिल फोनलाइन पर मौजूद हैं। जी कपिल, बताएं क्या जानकारी आपके पास? बैभव, ये कामा थाने के गांव विरार का मामला है। ये आज सुबह 5 बजे की घटना है। 5 बजे कामा सर्किल के झुरेरा थाना, कैथवाड़ा थाना और कामा थाना, तीनों थानों के थाना अधिकारी मैं फोर्स के DYSP राय सिंह बेनीवाल के नेतृत्व में उन्होंने दबिश दी है। एक झुरेरा थाने का फरारी आरोपी था, उसके वहां पे छुपे होने की सूचना थी। छुपे होने की सूचना पर जब दबिश दी गई तो वहाँ एक पुलिसकर्मी का पैर फिसला है, जो बच्चे के ऊपर जाके गिरा है, उससे ऑन स्पॉट बच्चा खत्म हो गया। बच्चे के परिजनों ने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। मर्ग रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है इमरान और बने सिंह नामक दो पुलिसकर्मियों के खिलाफ। जी बताया जा रहा है कुछ कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है इसमें। जी बताया जा रहा है दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है इस मामले में। इसमें झुरेरा पुलिस की कार्रवाई है, एक लोगों को बैठाया है। वहीं उनके पर जो परिजन है उनका आरोप है कि पुलिस ने जो उनसे मारपीट करके बयान दबा रही है कि बच्चा कल ही मर गया था। अब जनता के जहन में सबसे बड़ा जो सवाल ये उठ रहा है कि अगर बच्चा कल मर गया तो उस बच्चे को कल क्यों नहीं दफनाया गया? क्या परिजनों को पहले से पूर्व अनुमान था कि पुलिस आएगी, दबिश देगी, हम पुलिस पर आरोप लगाएंगे? जी कपिल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भरतपुर के कामा से हमारे सहयोगी कपिल, जो कि बता रहे थे कि आरोपियों को पकड़ने गई थी पुलिस, लेकिन वहां पर पुलिसकर्मी नवजात बच्चे के ऊपर गिर गया, जिससे उस बच्चे की मौत हो गई। वहीं लड़की की बच्चे की मां ने मामला दर्ज करा दिया है और SDM उसकी अब जांच कर रहे हैं। भिलवाड़ा की भीमगंज थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 5 मोटरसाइकिल बरामद की है। DYSP राजेंद्र त्यागी ने बताया कि पुलिस ने तिलक नगर से सराफत उर्फ लाला और ओम प्रकाश जाट को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने भीमगंज थाना से 3 और दूसरे थाने से 2 मोटरसाइकिलें चुराई थी। दोनों आरोपी नशे की आदी हैं और शौक पूरे करने के लिए चोरियां करते थे। वहीं पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ कर रही है। राकेश मांझी की टीम द्वारा थाना क्षेत्र से जो विभिन्न पिछले दिनों काफी मोटरसाइकिलें चोरी हो रही थी, इस पर श्रीमान SP साहब के आदेशानुसार एक टीम का गठन किया था। उस टीम को आज सूचना मिली कि सराफत उर्फ लाला और ओम प्रकाश सन ऑफ मोहनलाल जाट दोनों ही मोटरसाइकिल चोर हैं, जो तिलक नगर में संदिग्ध अवस्था में घूम रहे थे, जिनको पुलिस टीम द्वारा आज गिरफ्तार करके उनसे 5 मोटरसाइकिलें, जिनमें 3 मोटरसाइकिलें थाना भीमगंज की चोरी हैं और एक स्कूटी बरामद की गई है। अन्य और भी चोरी की मोटरसाइकिलों की सूचना प्राप्त हो रही है, जिनसे रिकवरी की जाएगी। खबर भिलवाड़ा से ही है, जहां टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के बैनर तले टेक्सटाइल व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया। बंद का समर्थन कई संगठनों ने किया है। वहीं व्यापारियों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा। कपड़ा व्यापारियों ने बताया कि जब तक कपड़े से GST नहीं हटाया जाता, कपड़ा व्यापारियों के प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। यदि मांगे नहीं मांगी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बारा के कस्बा थाना पुलिस ने यूपी से नकदी और जेवर चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने दुकान मालिक को मिठाई में नशीला पदार्थ खिलाकर 4 लाख की नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गया था। वहीं पुलिस ने टीम गठित कर यूपी के आरोपी के गांव ब्रह्मोल मुठ पर दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से कोर्ट ने उसे रिमांड पर भेज दिया।
भिलवाड़ा के हरनी महादेव मंदिर में श्रावण के पहले सोमवार को महिलाओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। मंदिर के बाहर लोगों की कतार लग गई। वहीं हरनी महादेव का मंदिर प्राचीन मंदिर है। श्रावण के पहले सोमवार को सुखिया सोमवार के रूप में मनाई जाती है। श्रावण मास की शुरुआत हो चुकी है। श्रावण का प्रथम सोमवार प्रिय मास श्रावण का होता है। इसमें 50 साल बाद विशेष संयोग बना है। श्रावण के सोमवार की शुरुआत सोमवार से ही हुई है और समापन भी सोमवार से ही होगा, जो कि शुभदायक फल माना जाता है। श्रावण का समापन 7 अगस्त रक्षाबंधन यानी श्रावण पूर्णिमा है। प्राचीन शिव मंदिर के पुजारी द्वारकागिरी महाराज ने बताया कि काफी सालों के बाद श्रावण मास में 5 सोमवार हैं। खास बात यह है कि वैद्यति योग के साथ श्रावण प्रारंभ हो रहा है और आयुष्मान योग के साथ इस मास की समाप्ति है। सोमवार श्रावण मास वैद्यति योग व अंशुमन आयुष्मान योग सभी के मालिक स्वत शिव ही हैं, इसलिए इस बार का सावन खास है। पुराणों के अनुसार श्रावण में भोले शंकर की पूजा, अभिषेक, शिव स्तुति, मंत्र जाप का खास महत्व है। खासकर सोमवारी के दिन महादेव की आराधना से शिव और शक्ति दोनों प्रसन्न होते हैं। इनकी कृपा से दैविक, दैहिक और भौतिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। निर्धन को धन और निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। कुवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। यह है सावन का सोमवार। के फतेहपुर में सावन के प्रथम सोमवार को भगवान शिव के विशेष पूजा अर्चना की गई। शिवालयों में रुद्राभिषेक, बिल्वपत्र और दुग्धाभिषेक किया गया। लोहागर्म धाम मंदिर से कांवड़ियों ने पैदल चलकर कांवड़ से जलकर शंकर की जलाभिषेक किया। वहीं शहर के बुधगिरी, मढ़ी नगर, अयोध्या देव, लक्ष्मी मंदिर, अमृतनाथ मंदिर, शिवालय मंडावा सहित कई शिवालयों में शिवजी की पूजा अर्चना की गई। आज भगवान शंकर भगवान की आज से सावन का पहले दिन बहुत भीड़ उमड़ रही है। शंकर भगवान की खूब याद है। लक्ष्मी आदि मंदिर के अंदर पूरी भक्तिभाव से भगवान की पूजा हो रही है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के द्वितीय चरण में वन विभाग की ओर से वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत पौधारोपण किया गया। मंत्री हेम सिंह बड़ाना ने अलवर के बाखेड़ा स्थित नर्सरी में पौधारोपण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर राजन विशाल सहित वन विभाग के समस्त अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। मंत्री बड़ाना ने कहा कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत द्वितीय चरण में वन महोत्सव मनाया जा रहा है, जिनमें आज हजारों की संख्या में सभी नर्सरी में पौधारोपण किया जाएगा। इसके साथ ही सभी आम जनता से अपील की गई कि वे अधिक से अधिक पौधारोपण किया जाए ताकि प्रकृति को बनाए रखा जाए। वहीं जिला कलेक्टर राजन विशाल ने कहा कि मुख्यमंत्री जल संरक्षण योजना एवं जल सर्वधन योजना के तहत यह कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें आने वाले समय में लोगों को प्रकृति से जुड़ाव रहेगा। स्वावलंबन अभियान के द्वितीय फेज में अलवर सिटी के लिए बुगोर के इस ग्राम पंचायत में यह साइट चिन्हित की गई है। इसमें पूरे डीपीआर में इसका कंपाउंड वॉल भी बनेगा, इसके अंदर एक हट भी बनेगी और स्थायी चौकीदार की और पानी पिलाने की व्यवस्था की जाएगी। मैं समझता हूँ कि शहर के लोगों के लिए उनको प्रकृति और पर्यावरण के पास लाने के लिए और जल संरक्षण, जल संवर्धन और पर्यावरण संरक्षण का एक सशक्त मैसेज देने के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। और मैं वन विभाग के सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को बधाई देता हूँ कि आज पूरे ज़िले में MGSA की सभी साइट्स पर
करीब 18,000 पौधों का पौधारोपण किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा मैसेज है और इसमें जनता का सहयोग भी अपेक्षित है। यहाँ के अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में अंतरजिला पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। 3 दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारंभ अलवर डीजे हेमंत जैन ने किया। इस दौरान एडीजे देवेंद्र नागर सहित पुलिस अधीक्षक राहुल प्रकाश भी उपस्थित रहे। इस प्रतियोगिता में अलवर, जयपुर ग्रामीण, सीकर, झुंझुनू और दौसा के पुलिस खिलाड़ियों ने भाग लेंगे। वहीं पुलिस अधीक्षक राहुल प्रकाश ने बताया कि प्रतियोगिता के दौरान घुड़सवारी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, बॉक्सिंग, कुश्ती सहित सभी प्रमुख खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। वहीं प्रतियोगिता में विजेताओं खिलाड़ियों को रेंज आईजी हेमंत प्रियदर्शनी पुरस्कार प्रदान करेंगे और प्रतियोगिता के बेहतर खेल का प्रदर्शन करने वाली टीम को रेंज की टीम में शामिल किया जाएगा जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेगी। एवन न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।